नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का चंद्रा आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैग्नेटिज्म चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चुंबकत्व एवं वैद्युत चुंबक नाम का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इससे UPPCL के एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कम से कम 3 से 4 प्रश्न इस चैप्टर से ज़रूर आते हैं। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन के अलावा जो मैं थ्योरी बताता हूँ बीच बीच में, वो भी बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि एक क्वेश्चन में मैं बहुत सारी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। मतलब एक क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन की और बातें पता चल जाती हैं। तो आप सभी को, जो भी UPPCL के स्टूडेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ध्यान से इस वीडियो को पढ़ें, और जितने भी हमारे ITI के स्टूडेंट हैं वो भी इसे ध्यान से पढ़ें, उनके एग्ज़ाम में भी ये बहुत सहायक प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी चुंबक के प्रतिकाई क्षेत्र ध्रुव शक्ति उसकी चुंबक तीव्रता कहलाती है, जिसे कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सीधे सीधे आप बात मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात करी गई है, मैग्नेटिक डेंसिटी की बात करी गई है। फ्लक्स घनत्व, आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, फ्लक्स घनत्व। तो फ्लक्स घनत्व जो है दोस्तों, हम उसको बी से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक सर्किट में, और बी बराबर होता है फाई अपॉन ए, यानी फ्लक्स बटे क्षेत्रफल। फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो होता है दोस्तों वेबर, और एरिया यानी क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 9 का आंसर जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th का पहला, टेस्ला किसके बराबर होता है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी जो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी बताया, उसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बताया, वो 1 टेस्ला के बराबर होता है, याद रखिए। कभी कभी ये भी आता है क्वेश्चन में कि टेस्ला जो है वो किसका मात्रक है, तो वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ही मात्रक है। दोनों मात्रक जो हैं वो टेस्ला के हैं, और 1 वेबर मीटर स्क्वायर जो होता है वो 1 टेस्ला के बराबर होता है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, 10वें का आंसर ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, रिलक्टेंस का मात्रक क्या होता है। दोस्तों, जैसे विद्युत परिपथ में रेजिस्टेंस होता है जो धारा के प्रवाह को रोकता है, वैसे ही चुंबकीय परिपथ में जो होता है वो रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स को सेटअप होने से रोकता है, एक तरीके से रेजिस्टेंस की ही तरह काम करता है। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता था आपको दोस्तों याद है, EMF बटे धारा होता था, है ना, EMF बटे धारा। तो यहाँ पर जो रिलक्टेंस है उसको S से डिनोट करते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो MMF बटे फ्लक्स, यानी कि फाई, ये फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ से हम इसका मात्रक निकालेंगे तो MMF का मात्रक दोस्तों एम्पियर टर्न होता है, और फाई का मात्रक, फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। तो इसका मात्रक जो निकलेगा वो एम्पियर टर्न प्रति वेबर निकलेगा। तो ये ऑप्शन में हम देख लेते हैं किसमें है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर जो है वो 3रे ऑप्शन में है, 11वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध चुंबकीय परिपथ में किसके सदृश होता है। तो अभी बताया मैंने, जैसे दोस्तों इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है यानी प्रतिरोध होता है, वैसे ही विद्युत मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। क्या होता है, रिलक्टेंस। तो इसका आंसर जो होगा वो रिलक्टेंस होगा, सेम काम होता है दोनों का। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो बी जाएगा, रिलक्टेंस। और रिलक्टेंस को हिंदी में प्रति स्तंभ कहते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा, कभी कभी जो है हिंदी में आ जाता है और हिंदी जो प्रेफर करते हैं वो समझ नहीं पाते। अगला क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं, टेस्ला मात्रक है। तो टेस्ला मैंने आपको बताया अभी, टेस्ला जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ही मात्रक होता है। तो इसका आंसर होगा फ्लक्स घनत्व, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है वो भी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा 13वें का वो ए हो जाएगा, फ्लक्स घनत्व। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, कौन सा चुंबकीय पद धारा के विद्युतीय पद के समान होता है। तो दोस्तों, अभी जब हमने फॉर्मूला लिखा था रिलक्टेंस का, तो जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा और डीप में बता दूं, जैसे धारा होती है वैद्युत परिपथ में, वैसे ही फ्लक्स होता है चुंबकीय परिपथ में, ठीक है। जैसे EMF होता है वैद्युत परिपथ में, ठीक है, वैसे ही MMF मैग्नीटोमोटिव फोर्स जिसको कहते हैं वो होता है चुंबकीय परिपथ में। जैसे रेजिस्टेंस होता है आपका वैद्युत परिपथ में, वैसे रिलक्टेंस होता है आपका
वैद्युत परिपथ, चुंबकीय परिपथ में। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए, वैद्युत परिपथ और चुंबकीय परिपथ की तुलना से संबंधित बहुत सारे प्रश्न क्वेश्चन में, प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं TG2 के। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या लिखा है, कौन सा चुंबकीय पथ विद्युत धारा के पथ के समान है, तो फ्लक्स है। ठीक है ना, धारा जो होता है वो फ्लक्स के समान होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, परमीबिलिटी का मात्रक है। दोस्तों ITI के बुक्स में परमीबिलिटी के मात्रक में बताया गया है कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि यह एक विमाहीन राशि है, उसी को हम मानकर चलते हैं। लेकिन डिप्लोमा और बीटेक में परमीबिलिटी का मात्रक बताया गया है और रिलेटिव परमीबिलिटी जो होती है उसका कोई मात्रक नहीं होता है, वो यूनिटलेस बताया गया है। लेकिन आप लोग फिलहाल आप यही याद रखिए कि परमीबिलिटी का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो आपको याद यही चीज़ आपको याद रखनी है, बाकी आपको झमेले में नहीं पड़ना है। परमीबिलिटी अगर आपसे पूछता है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम बढ़ते हैं, चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या है। तो चुंबकीय वाहक बल MMF की बात करी गई थी, तो MMF का मात्रक मैं आपको बताऊं, एम्पियर टर्न होता है। अभी रिलक्टेंस जब मैं बता रहा था तो वो MMF बटे फ्लक्स था, वहाँ पर हमने एम्पियर टर्न प्रति वेबर लिया था, तो MMF का मात्रक जो होता है वो एम्पियर टर्न होता है, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है किसी पदार्थ का फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या होता है। तो बस यहाँ पर सीधे बोला गया है कि कोई फ्लक्स है उसका प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप सबकी सभी को पता है ये किसके बराबर होता है, B के, और B क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, अभी बताया था आपको। तो इसका क्या होगा, फ्लक्स घनत्व आंसर होगा, 17वें का आंसर A होगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग, चुंबक के फ्लक्स घनत्व का आंतरिक मात्रक क्या होता है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक बता रहा है इसमें, तो एक तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है या फिर टेस्ला होता है। ठीक है ना, चुंबक के फ्लक्स घनत्व का आंतरिक मात्रक, तो इसका आंसर अभी आप लोग टेस्ला रखिए, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पूछ रहा है तो इसको टेस्ला रखिए। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पूछता है तो टेस्ला, क्योंकि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अगर होता तब तो ठीक होता, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है इसलिए हम इस ऑप्शन को टिक नहीं लगाएंगे। यहाँ पर आंसर जो होगा वो टेस्ला होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, चुंबकीय धातुओं में चुंबकन बल से इंडक्शन फ्लक्स घनत्व के पिछड़ जाने के गुण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको बोलते हैं चुंबकीय हिस्टेरेसिस। ठीक है, आप लोग जब हिस्टेरेसिस कर्व बनाते हैं तो देखिए कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, इसको हिस्टेरेसिस कर्व या BH कर्व भी कहते हैं, ये B होता है यहाँ पर H होता है। ठीक है, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया हूँ, यहाँ पर मैं फिर से एक बार बना के आपको बता देता हूँ, कुछ इस टाइप से आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, यहाँ पर H होगा और यहाँ पर B होगा। दोस्तों इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा हिस्टेरेसिस होता क्या है इसी वीडियो में, लेकिन जो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व होता है वो H के मान से यानी चुंबकीय फ्लक्स तीव्रता के मान से पिछड़ जाता है और इसको हिस्टेरेसिस कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा चुंबकीय हिस्टेरेसिस होगा, 19 का आंसर ए होगा। अब मैं थोड़ी सी थ्योरी आपको बता दूं ताकि आपको सारी चीज़ें रिवाइंड हो जाएं और आपको समझ में आने लगे कि क्या है। चलिए तो मैं थ्योरी पे थोड़ा सा मूव करता हूं। तो दोस्तों मैं थ्योरी में सबसे पहले आपको हिस्टेरेसिस कर्व बता देता हूं, हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, एक हिस्टेरेसिस कर्व से बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। दोस्तों कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अगर होता है तो उसका जो हिस्टेरेसिस ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है। यहाँ पर जो एक्स एक्सेस है, जैसे ये एच है, इस एच पर हमेशा एच होता है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जिसको कहते हैं, यहाँ पर एच लिखा हुआ है, और ये जो आपका वाई एच है इसमें बी होता है यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ये दोनों किस अक्ष पर हैं ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि जो हिस्टेरेसिस कर्व है या जो BH कर्व होता है उसमें जो H होता है वो किस अक्ष पर होता है, X अक्ष पर होता है या Y अक्ष पर, उसी टाइप से B का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं देखिए आपको बताता हूँ हिस्टेरेसिस कर्व बनता कैसे है। जब आप किसी, जैसे यहाँ पर आप सपोज करिए कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल है या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है कुछ इस टाइप से, ठीक है ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है और इसको हम क्या कर रहे हैं, DC सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, जब DC सप्लाई देंगे तो हमारा क्या होगा, ये जो मैग्नेट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये क्या होगा, मैग्नेटाइज होना शुरू होगा, इसमें चुंबकत्व का गुण आना शुरू होगा, तो कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ ऐसे बढ़ता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जो हमने वोल्टेज दिया था उसको धीरे धीरे कम करते हैं, तो ये अपना ग्राफ पीछे की ओर बढ़ता आता है,
और उसके बाद एक टाइम पे हम वोल्टेज ज़ीरो कर लेते हैं। वोल्टेज ज़ीरो करने के बाद दोस्तों होता क्या है कि जब हम उसमें कोई धारा कोई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं तो उसमें मैग्नेट नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, उसमें कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व बच जाता है जिसे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। इस अवशिष्ट चुंबकत्व को रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। ये इतना पार्ट जो बचा हुआ है ना दोस्तों बी का, इतना ये ही अवशिष्ट चुंबकत्व है, ठीक है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो H का मान था उसके साथ B बढ़ रहा था, लेकिन जब हम वापस आए हैं और H को जब हम ज़ीरो की पोजीशन पर ले आए हैं तो B ज़ीरो नहीं हुआ, जबकि इस पॉइंट पर B रह गया है। तो दोस्तों ये यही B का मान जो है वो H के मान से पिछड़ जा रहा है। इस घटना को हिस्टेरेसिस कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा, इसी घटना को क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस कहते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये बचा हुआ जो आपका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है, इतना सा जो बचा हुआ अवशिष्ट चुंबकत्व है, इसे ख़त्म करने के लिए दोस्तों हम विपरीत दिशा में, जैसे हम वायर्स फेज प्लस माइनस लगा रखे थे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट में, तो उनके वायर्स उल्टा कर देंगे, माइनस प्लस लगाएंगे, तो क्या होगा कि वो जो हमारा H का मान था वो उसमें वोल्टेज बढ़ना शुरू होगा लेकिन दूसरी दिशा में, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में। ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो अपना क्या होगा, H का मान दूसरी दिशा में बढ़ना शुरू होगा। तो क्या होगा, एक टाइम पे हमारा यहाँ पर इस पॉइंट पर जो अवशिष्ट चुंबकत्व था वो ख़त्म हो जाएगा और ये इतनी H की वैल्यू हमारी लगेगी। तो दोस्तों अवशिष्ट चुंबकत्व को ख़त्म करने के लिए जो हम बल लगाते हैं, जो H की वैल्यू लगा रहे थे, उसको दोस्तों निग्रह बल बोलते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, निग्रह बल, कोर्सिव फोर्स इंग्लिश में अगर कहें। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको याद रखिएगा। BH कर्व कुछ इस टाइप से बनता है, अलग अलग मटेरियल के अलग के लिए अलग अलग BH कर्व होता है। फिलहाल BH कर्व मैंने आपको बता दिया है और इतना ही इन सब में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पूछा जाता है। अब आपको मैग्नेटिक मटेरियल में बता देता हूँ कितने प्रकार के चुंबकीय पदार्थ होते हैं, कभी कभी उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो वो मैं बता दूँ। देखिए चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो तीन प्रकार के बेसिकली होते हैं, एक लौह चुंबकीय पदार्थ, एक अनुचुंबकीय पदार्थ जिनको पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, और एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिन्हें डायामैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। अब आपको सबसे पहले लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में बताते हैं दोस्तों। ऐसे पदार्थ जो किसी मैग्नेट की तरफ रखे जाने पर तीव्रता से आकर्षित हों, बहुत तीव्रता से आकर्षित हों, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं, जैसे लोहा, स्टील, निकिल और कोबाल्ट। ये तीनों, ये चारों मटेरियल जो होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि निम्न में से लौह चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं, तो इन्हीं ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन दिया होगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं दिया होगा, तो आपको टिक करके लगाना होगा। उसके अलावा दोस्तों इनकी परमेबिलिटी जो होती है वो 1000 तक होती है, चुंबकशीलता जो होती है 1000 तक होती है, ये भी आपको याद रखना है, ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ की। अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, बहुत तेज़ी से आकर्षित नहीं होते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ में कौन कौन से मटेरियल आते हैं ये इनकी, इनको ज़रूर आप याद कर लीजिए, इन मटेरियल से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इन मटेरियल्स को याद करिए। और इनकी जो चुंबकशीलता है दोस्तों वो एक से कुछ अधिक होती है, एक से कुछ अधिक होती है, बहुत अधिक नहीं होती, जैसे उसमें एक से हज़ार या 200 से 1000 के बीच लौह चुंबकीय पदार्थ में थी, इसमें एक से कुछ अधिक होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर आकर्षित ना होकर के विकर्षित होते हैं, यानी कि डीमैग्नेटाइज होते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनमें जो पदार्थ आते हैं उनको आप याद रखिए, एंटीमनी, बिस्मत जैसे हैं, ठीक है। और इनकी जो परमेबिलिटी होती है वो एक से कम होती है, परमेबिलिटी से क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, किन की परमेबिलिटी एक से बहुत ज़्यादा होती है, किन की एक से थोड़ी ज़्यादा होती है, एक से कम कौन से पदार्थों की परमेबिलिटी होती है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इतना ही केवल मैंने इस वीडियो में बताया है, कुछ क्वेश्चन कराए हैं और कुछ थ्योरी का पार्ट मैंने पढ़ाया है। तीन पार्ट में लगभग इसको मैं मैग्नेटिज्म चैप्टर को कवर कर दूंगा और मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों की क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहे। थ्योरी में ही मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के थ्योरी को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसी वीडियोस और भी पाना चाहते हैं और आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, UPPCL या इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन के किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। टाइम टू टाइम आपको इस चैनल पर अपडेट्स मिलते रहते हैं और जो आपकी स्टडी मटेरियल है वो भी मिलता रहता है। धन्यवाद साथियों।